बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मनीषा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर 4, द कॉप एंड द एंथम। लेट्स सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वॉट हैपन वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड? इफ सो, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज ऑफन एम्बैरसिंग, द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो सोचा हो, आप जो सोचते हो वो आपके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है? तो इस स्टोरी में भी ऐसा ही, मतलब ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। शोपी जो था एक बेरोज़गार और जो उसका कोई घर बार नहीं था, वो ऐसा आदमी था। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड शोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। विंटर जो था वो बहुत जल्दी मतलब आने वाली थी और शोपी जो था उसको एक घर चाहिए था, मतलब रहने के लिए एक जगह चाहिए थी जहाँ वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके विंटर से। शोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। शोपी जो था वो कहाँ बैठा था? मेडिसन स्क्वायर में बैठा था। देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। और वहाँ पर बहुत ऐसे साइंस दिख रहे थे, मतलब साइन दिख रहे थे कि अब जो है ठंडियाँ आने वाली है। बर्ड्स बिगिंस टू फ्लाई साउथ, पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कॉट्स। बर्ड बिगिन टू फ्लाई साउथ, अब जो चिड़िया थी वो साउथ की तरफ फ्लाई करने लगी थी। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कॉट्स, और जो पीपल थे, लोग थे, वो नए नए कपड़े खरीद रहे थे ठंडियों के लिए। एंड शॉपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। When you see these signs, you know that winter is near. और जब हम ऐसा कुछ साइन देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ठंडियाँ जो है वो आने वाली हैं। A dead leaf fell at Soppy's feet. That was the special sign for him that winter was coming. और जो एक सूखी पत्ती थी वो सॉपी के पैरों के पास गिर जाती है और इससे क्या पता चलता है कि ठंडियाँ जो है वो आने वाली है। अक्सर ठंडियों में जो पत्ती होती है वो सूख जाती है। इट वॉज़ टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर। अब समय आ चुका है जो लोग मेडिसिन स्क्वायर में है वो खुद को प्रिपेयर करें ठंडियों के लिए। शॉपी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर एंड देयरफॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। अब शॉपी के दिमाग में ये बात आ गया कि अब जो टाइम है वो आ चुका है खुद को बचाने का ठंडियों से। शॉपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। शॉपी को लगा कि जो सर्दियाँ हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं होंगी इस बार। ही वॉज नॉट थिंकिंग फॉर सेलिंग अवे ऑन सीप। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज और अ बे ऑफ नेपल्स। थ्री निमंस एंड प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। उसकी कुछ ज़्यादा मतलब हाईफाई इच्छाएँ नहीं थी, मतलब जो उसकी डिज़ायर थी वो कुछ ज़्यादा नहीं थी। वो बस यही चाहता था कि उसको 3 महीने के लिए जेल हो जाए, मतलब ब्लैकवेल आइलैंड में वो रह जाए। 3 months of food every day and a bed every night. 3 months of safe from the cold north wind and safe from cops. बस 3 महीने के लिए उसे फ्री का खाना, फ्री का सोना, और मतलब उसे ठंडियों में भी प्रोटेक्ट मिल जाएगा, वहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा और वो पुलिस से भी बचा रहेगा। दिस इज़ वॉट शोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और शोपी की सबसे ज़्यादा यही इच्छाएँ थी कि उसे ठंडियों में ये जगह मिल जाए ब्लैकवेल आइलैंड में रहने के लिए। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कुछ साल पहले जो मतलब हर साल उसका जो घर था ठंडियों में वो ब्लैकवेल आइलैंड ही था, मतलब उसे हर साल जेल हो जाती थी और वो वहीं पर रहता था अपने ठंडियों में। रिचर्स न्यूयॉर्क मेड हिज प्लान टू गो द फ्लोरिडा और द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी इस विंटर। जो न्यूयॉर्क के जो लोग थे, रिच लोग थे, वो कहाँ जाते थे? मेडिटेरियन सी में खुद को मतलब ठंडियों के लिए 3 महीने के लिए वो वहीं जाते थे। शॉपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और शॉपी की जो इच्छाएँ थी वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो बस वो क्या चाहता था कि वो आइलैंड चला जाए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब जो था समय जो आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब जो रात की ठंडियाँ होती वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती हैं। अब वो अपने अंदर, अपने कोट के अंदर उसने न्यूज़पेपर रखा था, पैरों के अंदर भी रखा था, फिर भी वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था ठंडियों से, उसे ठंड जो थी वो लगी रही थी। सो शोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, और फिर से वो शोपी जो था वो आइलैंड के बारे में सोचने लग गया। देयर वर प्लेसेज इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड, दीज वुड बी गिवन टू हिम। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। अब जो उसके जो एरिया था उसका, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे उसको खाना मिल जाता, रहने के लिए मिल जाता। बट आगे पढ़े क्या होता है। बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर। इतनी कुछ उसे मिल जाती फिर भी उसे क्या इच्छा थी कि वो
ब्लैकवेल आइलैंड में ही रहे, सबसे अच्छा उसे ब्लैकवेल आइलैंड ही लगता था। शॉपी स्पिट वॉज प्राउड इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, देर वॉज सर्टेन थिंग्स टू हैड टू डू। अगर वो सोचता था कि अगर वो ऐसी जगह पर जाएगा तो उसे बहुत कुछ करने को मिलेगा इन वन वे और अनदर, ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गिव हिम, उसे पे करना पड़ेगा पैसा। दे वुड हैव नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, दे वुड मेक द आंसर क्वेश्चंस दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। अब वो सोच रहा था कि अगर वो किसी और जगह जाता है तो उसे खाने को मिलेगा, मतलब सोने के लिए मिलेगा, लेकिन उसे बर्तन धुलवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो इसलिए वो सोच रहा था कि नहीं, सबसे अच्छा है कि मेरा जेल ही सही है, मैं वहीं पे रहूँ ठंडियों में जाके। देर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, द मोस्ट प्लीजेंट वेट वॉज गो टू एंड हैव गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। फिर वो सोचने लग गया कि अब वो सोचने लगे कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खाए। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। अब फिर वो बोलेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो लोग पुलिस को बुलाएंगे। इट ऑल बी डन वेरी क्विकली, द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज, द जज वुड बी टू रेस्ट। अब वो सोचने लग गया कि मैं किसी रेस्टोरेंट जाऊँगा, खाना खाऊँगा अच्छे से रेस्टोरेंट को देख के, और फिर वहाँ के जो वेटर्स होंगे वो मुझसे पैसे के लिए पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, उसे जेल भेज देंगे। ठीक है। शॉपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट द मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। और जो शॉपी था वो मतलब चलने लग गया अब अपनी मंजिल की ओर। ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वहाँ पे जो फिफ्थ एवेन्यू बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट थी वहाँ पे वो चला गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। वहाँ पे जो थे वो बहुत ही हाई फाई रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे बहुत ही हाई फाई पीपल आते थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। शॉपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। शॉपी को लगा कि वो उसने अच्छा ठीक ठाक कपड़ा पहन रखा है, हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा भी साफ है, हिज कोट वॉज गुड एनफ एंड ही कुड गेट द टेबल, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी दिस। अगर उसे कोई टेबल मिल गया तो उसका जो ड्रीम था वो सक्सेस हो जाएगा, उसे ये यकीन हो रहा था। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। फिर से वो सोचने लगे कि वो उसे क्या खाना है। इन हिज माइंड ही कुड नॉट सी द होल डिनर, उसके दिमाग में पूरा कुछ यही नहीं था कि वो पूरा डिनर करे। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, ही डिड नॉट वॉन्ट टू रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू दिस विंटर होम। बट एज सोपी पुट हिज फुट इन साइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सॉ दिस ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लॉथ दैट कवर्ड हिज लेग्स। अब जो जो वेटर के जो उस रेस्टोरेंट का जो वेटर था उसने उसे देखा कि उसके जो जूते वो फटे छिटे थे, उसके कपड़े भी अच्छे नहीं थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड द मूव रनिंग क्विकली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। और फिर जो वेटर था उसने उसे भगा दिया वहाँ से, उसका हुलिया देख के, मतलब कि वो उसके उसने अच्छे कपड़े पहने रखे थे, उसके जूते फटे थे, इसलिए उसने वेटर ने उसको भगा दिया शॉपी को। शॉपी टर्नड ऑफ ब्रॉडवे, ही सीम दैट इज द मोस्ट इजी वे टू आइलैंड वॉज नॉट टू डू बी दिस, ही मस्ट थिंक ऑफ सम अनदर वे ऑफ गेटिंग देयर। अब जो शॉपी का जो प्लान था वो तो फ्लॉप हो चुका था कि वो रेस्टोरेंट जाएगा, खाना खाएगा, और जब उसे जो वेटर्स होंगे उससे पैसे मांगेंगे तो वो मना कर देगा, और उससे क्या होगा कि वो पुलिस को बुलाने के और उसे जेल हो जाएगा। बट उसका जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स एवेन्यू वॉज शॉप विद द वाइट ग्लास विंडो ब्राइट व ब्राइट एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब उसने देखा कि कॉर्नर पे जो था वहाँ पे एक दुकान थी बहुत चमकीली सी, इसमें लाइट्स वगैरह लगे थे। शॉपी पिक्ड अप द बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। अब शॉपी ने क्या सोचा कि वो एक पत्थर उठाएगा, उस पर एक ग्लास से ज़ोर से मार देगा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और जो वहाँ के लोग थे वो भागने लग गए, और जो पुलिस वाला था वहाँ पे वो बाहर आ गया। शॉपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल व्हेन ही सॉ द कॉप, और जो वो शॉपी था वो पुलिस वाले को देख के क्या करने लगा, स्माइल करने लग गया, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप। अब पुलिस वाला जो था वो उसने पूछने लगा कि ये किसने किया आखिर, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट। शॉपी बोलने लग गया पुलिस से कि आपको नहीं लगता कि मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट बी कंसिडर्ड शॉपी, मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टॉक टू कॉप्स।
अब पुलिस वाले के दिमाग में यही मतलब ये वो सोचने लग गया कि अगर इसने तोड़ा होता तो ये आराम से यहाँ खड़ा नहीं होता और मेरे से बात नहीं करता। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और वो दौड़ जाता भाग जाता यहाँ से। तो कॉप शो अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट, और फिर उसने क्या देखा कि एक आदमी जो था वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। ही रन आफ्टर हिम एंड शॉपी सिक्ड एट हर्ट वॉक्ड स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड टू टाइम्स। अब जो शॉपी का जो दूसरा प्लान था वो भी फ्लॉप हो गया। क्या था उसका दूसरा प्लान? कि वो दुकान मतलब जाएगा, वो पत्थर फेंकेगा तो पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाएंगे, बट वो भी फ्लॉप हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ब्रॉडवे। अब उसने दूसरी रेस्टोरेंट जाने की सोची। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और जिस रेस्टोरेंट में वो सोच रहा था जाने के लिए वहाँ पे कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं जा रहे थे। इट्स फूड नॉट वॉज सो गुड, इन टू हिज शॉपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लॉथ एंड वर नो वन स्टॉप्ड हिम। वहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा खाना भी नहीं था उसमें, तो उसको कोई रोक भी नहीं पाता शॉपी को। ही सेट डाउन एट द टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और वो वहाँ पे टेबल पे बैठ जाता है और बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी, जब वो पूरा खाना खा लेता है तो वो बोलता है कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं पे करने के लिए। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेड शॉपी, वो बोलता है कि जाओ तुम पुलिस को बुलाओ, मैंने तो मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर, वेटर बोलता है तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं है। ही कॉल अनदर वेटर, वो दूसरे वेटर को बुलाता है। द टू वेटर्स थ्रू शॉपी अपन इज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और जो वो दोनों जो वेटर्स होते हैं उसे बाहर भगा देते हैं स्ट्रीट मतलब रेस्टोरेंट के। और उसका तीसरा प्लान भी फ्लॉप हो जाता है बेचारे का, आइलैंड जाने का। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट ऑफ टाइम, अ बीट द डस्ट फ्रॉम दिस क्लॉथ प्रिजन सीम्ड ओनली हैप्पी ड्रीम, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। अब शॉपी जो था वो गिरा होता है, वो अपना कपड़ा झाड़ लेता है और वो सोचता है कि उसका जो आइलैंड जाने का सपना है वो बहुत दूर है उससे अभी। कॉप हु स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक्ड अवे, शॉपी स्टार्टेड मूविंग अवेन। अब जो शॉपी था वो दोबारा से चलने लग गया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुकता है, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, स्ट्रीट्स आर ब्राइट एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन द अदर पार्ट्स। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. A sudden fear caught Shoppy. No cop was going to arrest him. फिर वहाँ पे जो एक मतलब जो स्ट्रीट था वहाँ पे एक थिएटर्स थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे मतलब जॉयफुल वहाँ मतलब इन्जॉय करते थे, वहाँ पे डांस वगैरह करते थे, तो वहाँ पे रुक जाता है वो। वहाँ पे कोई पुलिस वाला भी नहीं था जो उसे अरेस्ट कर पाए। देन ही कम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ बिग थिएटर, और फिर वो देखते हैं अचानक से कि उस थिएटर के पास एक पुलिस वाला रहता है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, फिर से वो सोचने लग जाता है कि कुछ करेगी उसे पुलिस वाला पकड़ के ले जाए। ही बिगिन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच ऑफ ड्रिंक, हिज वॉइस वॉज लाउड एज ही कुड मेक इट, ही डांस्ड ही क्राइड आउट। और फिर वो सोचने लगता है, वो ना क्या करता है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, नाचने लग जाता है ऐसे कि उसने पी रखी हो। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू शॉपी, और जो पुलिस वाला होता है वो उसकी तरफ देखता है। एंड ही सेड टू मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और वो दूसरे आदमी से बोलता है, इट्स वन ऑफ हिज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनी थिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट हिम शॉट। आज हमें ऑर्डर मिला है कि जितने भी कॉलेज बॉय हैं उनको हमें कुछ करने के, वो कुछ भी कर सकते हैं, आज हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। शॉपी वॉज क्वाइट, वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, फिर से शॉपी जो होता है वो शांत हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसे कोई पुलिस वाला तो पकड़ ही नहीं रहा है। ही बिगिन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वॉज फार अवे एज अ स्टार, फिर से वो सोचने लग जाता है कि उसका जो आइलैंड जाने का सपना है वो बहुत दूर है, लाइक अ स्टार। ही पुल हिज हिम कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। देन ही शॉ अ मैन इन शॉप बाइंग अ न्यूज़ पेपर, द मैन अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। फिर वो देखता है कि एक आदमी जो होता है वो अपना मतलब छाता लिया रहता है। शॉपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, वो चुपचाप से जाता है उस दुकान पे, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे, और वो उससे अम्ब्रेला लेता है चुपचाप से और वो चलने लग जाता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और जो आदमी होता है वो उसे फॉलो करने लग जाता है। माई अम्ब्रेला ही सेड, वो बोलता है कि मेरा अम्ब्रेला है, वो उससे कहता है। ओ इज इट सेड शॉपी, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, वो बोलते हैं क्यों नहीं तुम पुलिस को बुलाते, मैंने तो तुम्हारा छाता चुरा लिया। आई टुक इट योर अम्ब्रेला, यू डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस को मत बुलाओ, ये तुम्हारा ही छाता होगा। देयर वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, शॉपी डिड द सेम। फिर जो आदमी होता है वो चलने लग जाता है। ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। अब जो शॉपी का जो प्लान था वो भी सारे जितने भी प्लान थे वो सारे फ्लॉप होते गए। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इज द मॉर्निंग रेस्टोरेंट, इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। वो आदमी बोलता है कि आज ही सुबह मुझे किसी रेस्टोरेंट में ये छाता मिला था, ये मेरा नहीं है, अगर ये आपका है तो आप इसे रख लो,
ठीक है, आई एम सॉरी, इट्स माइन, ये मेरा है, शॉपी बोलता है चिल्ला के, विथ एंगर इन हिज वॉइस, वो चिल्ला के बोलता है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, शॉपी वॉकड ईस्ट। फिर वो जो अम्ब्रेला मैन होता है वो भाग जाता है डर के, और जो पुलिस वाला होता है वो एक औरत को स्ट्रीट पार करवाता रहता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एंड फार ही कुड थ्रो आउट, जो शॉपी होता है वो छाते को फेंक देता है। एंड ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, दिस सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नॉट रॉन्ग। अब वो सोचता है कि कोई पुलिस वाला तो उसे पकड़ ही नहीं रहा जिसके वो बहुत बड़ा राजा हो। एट लास्ट शॉपी कम टू वन द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, जो सिटी का जो साइड वाला एरिया था वो वहाँ जब पहुँच जाता है। ही टर्न हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड मेडिसिन स्क्वायर, ही वॉज गोइंग होम, वो घर जाने लग जाता है। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, बट एट वेरी क्वाइट कॉर्नर शॉपी स्टॉप्ड, फिर वो अचानक से रुक जाता है। हियर वॉज द ओल्ड चाइल्डहुड होम, वहाँ पर उसका पुराना घर था, मतलब जहाँ वो बचपन में रहता था। थ्रू वन विंडो, उसकी एक खिड़की खुली थी, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वहाँ पे कुछ लाइट जल रही थी, दैट हैड बीन लिविंग रूम, जैसे कि वहाँ पे कोई रह रहा हो। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पीली पीसफुल मोमेंट्स, और फिर वो सोचना चाहता है कि वो वहाँ पे, मतलब उसके जो बचपन के बिताए दिन होते हैं वो वहीं बिताया रहता है, क्योंकि उसका वो बचपन का घर होता है। स्वीट म्यूजिक केम टू शॉपी ईयर्स एंड सीम्ड होल्ड हिम देयर, वहाँ पे बहुत ही मधुर सी जो संगीत होती है वो बजती रहती है और वो शॉपी के कानों में सुनाई देती है। द मून वॉज एबव पीसफुल एंड ब्राइट, देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ पे कुछ ही लोग जाते थे, पास करते थे मतलब वहाँ से। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव हिम एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड शॉपी देयर, फॉर ही हैड नो नाउन इट विल लॉन्ग एगो, और वो उस म्यूजिक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो वहीं रुक जाता है, उस म्यूजिक को सुनने लग जाता है। इन दोज डे हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स फ्रेंड्स क्लीन थाट्स एंड क्लीन क्लोथ्स, फिर वो सोचने लग जाता है कि उसकी जो माँ वो कितने कुछ मतलब मिस करता है, उसकी माँ रहती है वहाँ पे, फ्लावर्स थे उसके, हाई होप्स थे उसकी, इच्छाएँ थी उसके, फ्रेंड्स थे उसके, क्लीन थाट्स थे, शुद्ध विचार थे, उसका कपड़ा भी साफ था। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इज सोल, और फिर अचानक से जो उसकी इच्छाएँ थी उसकी, जो उसका सोल था वो चेंज हो जाता है ये सब देख के। ही saw दैट विथ सिक फियर हाउ ही हैड fallen, ही saw दिस worthless डे, his रॉन्ग desires, his dead hopes, the lost power of his mind, और फिर वो सोचने लग जाता है कि वो कितना बुरा है, उसकी जो इच्छाएँ हैं वो कितनी गलत है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट आंसर दैट चेंज इन योर हिज सोल, और फिर अचानक से जो उसका दिल होता है वो, उसका जो दिमाग होता है वो बदल जाता है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और फिर वो सोचने लग जाता है कि वो अपनी लाइफ को बदल देगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और फिर से वो खुद को एक अच्छा इंसान बनाएगा। There was a time he was young enough, he would find to old purpose in life and follow it, that sweet music had changed him, जिसका जो वो जो स्वीट म्यूजिक था उसकी लाइफ को पूरा बदल दिया। फिर उससे वो सोचने लग गया कि वो कितना नालायक है, ये वो है, वो ख़राब है, लेकिन वो सोचता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, वो खुद को चेंज करेगा। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और अगले दिन वो एक जॉब ढूंढेगा। ए मैन हु हैड वंस ऑफर्ड हिम जॉब, एक बार एक आदमी ने उसे ऑफर किया था जॉब के लिए, ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, और फिर उससे वो उस आदमी को ढूंढेगा, एंड ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। ही वुड सॉपी फेल्ड अ हैंड इन आर्म, ही लुकड अराउंड द ब्रॉड फेस ऑफ कॉप, अब फिर अचानक से उसके कंधे पे एक हाथ आता है, वो कौन होता है, वो पुलिस वाला होता है। वो उसको बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप, पुलिस वाला बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है नथिंग, यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ शॉपी बिगिन टू आर्ग्यू, और शॉपी अचानक से पुलिस वाले से आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, बहस करने लग जाता है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और न्यूयॉर्क कॉप से कोई बहस करे ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है, फिर तो वो जेल ही जाएगा। कम अलॉन्ग, सेड द कॉप, बोलता आओ मेरे साथ, 3 months प्रिजन एट ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू शॉपी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले मॉर्निंग शॉपी को जज क्या बोलते हैं कि तुम्हें 3 months के लिए ब्लैकवेल आइलैंड जाना पड़ेगा, मतलब जेल जाना पड़ेगा। अब ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एक उलझी हुई स्टोरी, आपको मतलब जल्दी समझ नहीं आएगा। शॉपी एक आदमी होता है जिसके पास कोई जॉब कोई कुछ नहीं होता, वो बेरोज़गार होता है पूरी तरह से,
और वो सोचता है कि मतलब ठंडियाँ जो आने वाली है तो वो कहाँ रहेगा, उसके पास कोई घर भी नहीं होता। और वो उससे पहले जो ब्लैकवेल आइलैंड मतलब जेल में रह चुका होता है, तो उससे वो जेल ही अच्छी लगती है। वो सोचता है कि इस बार भी काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो फिर से जेल चला जाएगा। बट उसने बहुत कुछ ट्राई किया, पहले वो रेस्टोरेंट गया, फिर वो सोचा कि वो खाना खा लेगा, फिर उसके वेटर्स जो थे उससे पैसे मांगेंगे, फिर वो नहीं देगा तो पुलिस को बुलाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो फिर से चला जाएगा आइलैंड, वो भी फ्लॉप हो गया। दूसरा प्लान क्या था उसका, वो फिर से सोचने लगा कि वो एक दुकान में शीशा तोड़ देगा तो पुलिस वाले उसको फिर से जेल ले जाएंगे, लेकिन वो प्लान भी फ्लॉप हो गया। तीसरा प्लान क्या था कि वो खाना खा के सारे मतलब रेस्टोरेंट में खाना खा के फिर बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने सोचा कि अब तो मुझे पुलिस वाले ले ही जाएंगे, लेकिन क्या क्या वेटर ने उन्हें उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया उस तीसरे रेस्टोरेंट से भी, वो भी प्लान फ्लॉप हो गया। फिर उसने एक आदमी का छाता चुराया, वो भी उसका प्लान फ्लॉप हो गया। मतलब जितने भी उसके प्लान्स थे वो फ्लॉप होते गए। और जब उसने सोचा कि वो खुद को चेंज करेगा, तब जो वो चाह रहा था वो हो गया। मतलब जब वो नहीं चाह रहा था कि वो ना जाए जेल, वो खुद को चेंज करे, तो फिर से उसे जेल मिल गया। और जब वो चाह रहा था, जब उसने ट्राई किया, प्लान्स बनाए कि मुझे जाना ही आइलैंड, तब वो उसके सारे प्लान फ्लॉप होते रहे। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कॉइंसिडेंस, कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है, और जब हम नहीं सोचते वो हो ही जाता है। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर।